महेश भट्ट के साथ हुई अनबन पर आया इमरान हाशमी का बयान। As a family, we've always washed our dirty linen in public. Problems हो रही हैं, लेकिन हम we're trying to make amends. हम लोग schedule को divide करके, जैसे मैं यहाँ press conference के लिए आया हूँ, वापस जाके मैं shooting करूँगा रात को, फिर से कल एक event है, तो विक्रम इज मेकिंग अ लॉट ऑफ अमेंड्स टू मेक श्योर दैट कि मैं प्रमोट भी करूं और साथ साथ शूटिंग करूं। इमरान हाशमी ने एक्सेप्ट किया राजा नटवर लाल के प्रमोशन और मिस्टर एक्स की शूटिंग्स की डेट क्लैश होने की वजह से महेश भट्ट और उनके बीच हुई प्रॉब्लम। अभी शूटिंग चल रही है वहाँ पे, मैं यहाँ आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट आई विल, हम कोशिश की है कि एक शेड्यूल उनका है जो ख़त्म होना है अभी, और उसके साथ साथ इस फिल्म की मार्केटिंग चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। फॉर सेल्फिश रीजंस आई एम हियर टू प्रमोट दिस फिल्म। आई थिंक दे've अंडरस्टूड दैट, दे हैव अंडरस्टूड दैट। वेल, इमरान अब इस कंट्रोवर्सी के खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि महेश भट्ट के साथ मिलकर इमरान ने जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी की है ताकि उनकी फिल्म का प्रमोशन हो जाए, पर अब खुद इमरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भट्ट सर का जो ट्वीट है वो एकदम सही टाइमिंग पर नहीं हुआ है, जब आप राजा नटवर लाल का प्रमोशन कर रहे हैं और उसी वक्त ये हो रहा है ट्वीट। तभी होगा ना जब मैंने एक्चुअली प्रॉब्लम थी शूटिंग में, और जब मिस्टर एक्स की शेड्यूल का कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वी आर फॉरसीइंग अ मेजर प्रॉब्लम, लेकिन हमने सोचा है कि कहीं दोनों प्रोडक्शन हाउसेज ने सोचा है कि ठीक है, वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट ऑल्सो, और उनकी शूटिंग भी साथ साथ करनी है, तो वो सिर्फ एक दिन का प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वेल, ये पूरी कंट्रोवर्सी एक प्रमोशनल आइडिया है या फिर कुछ और, इस बात का अंदाजा अब इन सब बयानों को सुनने के बाद आप खुद लगा सकते हैं। वैसे ये मौका था इमरान की फिल्म के नए सॉन्ग लॉन्च का, जिसमें इमरान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ इमरान ने बताया कैसे इस फिल्म में डांस करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर कुणाल देशमुख ने उन्हें मजबूर किया। जनरली I'm a reluctant dancer on screen. I've never really for the first 4-5 years of my career. I didn't really have to dance because of the roles that I was doing. I was doing more noir, the kind of roles that were there, more erotic thrillers. लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक एसेंस आए डांस का, क्योंकि राजा नटवरलाल का कैरेक्टर बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, इट्स फन लविंग कैरेक्टर, ही इज ऑब्वियसली डार्क शेड्स हैं, ड्रामेटिक है, बट ही इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लाइवली एज अ पर्सन। तो ये दो ट्रैक्स हैं जो दुखी दिक्की और अभी इसके बाद फ्लिप योर कॉलर brings the essence of a certain young vibe, an energy, cool, hip, at the same time street. तो टपोरी है, लेकिन एक cool टपोरी है। साथ ही इमरान हाशमी ने यहाँ बताया आखिर किस वजह से इस फिल्म का नाम शातिर से बदलकर राजा नटवरलाल रखा गया। Why we changed the name? शातिर से हमने राजा नटवरलाल इसलिए रखा क्योंकि शातिर का earlier title था, dramatic था, edgy था, it defines the film. क्योंकि इस फिल्म में बहुत तरह से वो शातिर है, लेकिन राजा नटवरलाल बिकॉज एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, टंग इन चीक, फनी, हिप, कूल है, टपोरी है, लेकिन दो फेज हैं कैरेक्टर्स के, किस तरह सड़कों से शुरुआत होती है और उसके बाद जो इसका अपने फेस को बदलता है, और कैसे सेकंड हाफ इस कैरेक्टर का सेकंड फेज है। सो यू हैव टू सी द फिल्म टू अंडरस्टैंड कि ये फ्लैम्बॉयंस कैसे उभर के आता है कैरेक्टर्स। वेल, फिल्म के सॉन्ग में हुमायूं मलिक भी काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। ऐसे में मीडिया ने उनसे यहाँ जानने की कोशिश की आखिर उनकी फिल्म को पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इमरान हाशमी की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसलिए क्योंकि मेरी पहली फिल्म हिंदुस्तान इंडस्ट्री में इमरान हाशमी के साथ है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सब लोग बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इसी तरह की एक्साइटमेंट है जिस तरह की इंडिया में। वेल, हुमायूं का साफ कहना है इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान में भी अच्छा खासा बज है। वी जस्ट होप इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।